मैं हो गया हूं बिल्कुल किताब सा अब, मैं हो गया हूं बिल्कुल किताब सा अब, शब्दों से भरा पड़ा हूं फिर भी खामोश हूं। फुर्सत अगर मिले तो मुझे पढ़ना जरूर, फुर्सत अगर मिले तो मुझे पढ़ना जरूर, नाकाम जिंदगी की मुकम्मल किताब हूं मैं। मेरी किताब के मुड़े पन्ने कहते हैं दास्तां, मेरी किताब के मुड़े पन्ने कहते हैं दास्तां, बहुत कुछ रह गया तुमसे कहे बगैर। मुड़े मुड़े से हैं किताबे इश्क के पन्ने, ये कौन है जो मुझे मेरे बात पढ़ता है। मैं उस किताब का आखिरी पन्ना था, मैं उस किताब का आखिरी पन्ना था, मैं ना होता तो कहानी खत्म ना होती। याद रखना दोस्तों, याद रखना, विचारों के युद्ध में अक्सर किताबें ही अस्त्र होती हैं। नौ रत्नों से बढ़कर किताब अनमोल रत्न है, नौ रत्नों से बढ़कर किताब एक अनमोल रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं है जनाब। खुशी की किताब में जब मैंने गम लिखा, उसे हद से ज्यादा लगा, मैंने हकीकत से कम लिखा। यू ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, यू ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में ढूंढ लेते हैं। हिसाब किताब न पूछ जिंदगी हमसे, तूने सितम नहीं गिने हमने शब्द नहीं गिने। तेरी किताब के हरफे समझ नहीं आते, ए जिंदगी तेरे फलसफे समझ नहीं आते। कितने पन्ने हैं मेरी किताब के, किन्हें संभालूं किन्हें फाड़ दूं समझ नहीं आते। मन को पेश खुली किताब सा किया हमने, बंद लिफाफे तो मेहमानों को दिए जाते हैं। हमने उनसे प्यार का नजराना मांगा, हमने उनसे प्यार का नजराना मांगा, और उन्होंने हमारे इश्क पर किताब लिख डाली। जिंदगी का अहम हिस्सा मेरी किताब है, जिंदगी का अहम हिस्सा मेरी किताब है, न जाने कितने बंद इसमें मेरे ख्वाब है। अक्सर अकेला रहा करता था मैं, किसी से बात नहीं किया करता था मैं, आखिर वक्त ने मुझे कामयाब बना ही दिया, क्योंकि किताबें हर वक्त पढ़ा करता था मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी। फ्रेंड्स, आज हो गया है डे 19 और 18 सेशंस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे आज भी याद है वो फर्स्ट डे जब हमने ये सेशन शुरू किया था, तो लग रहा था कि अभी 21 सेशंस करने हैं, 21 दिनों का प्रोग्राम है, बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन देखिए, डे बाय डे, वन बाय वन, जैसे जैसे सेशंस कंप्लीट होते गए वैसे वैसे हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अब सिर्फ 3 सेशंस बचे हैं और ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम अब कंप्लीशन की तरफ ना जा करके एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने इस सीजन के, इस प्रोग्राम के दौरान ही अगले सीजन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो अब हम इस प्रोग्राम के फिनिश होने के बाद दोबारा से मिलने के हमारे चांसेस हैं कि हम सीजन 2 में आपसे मिलेंगे। कल मैंने सीजन 2 को लेकर के कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी, अगर कल आप में से किसी ने उसे मिस कर दिया है तो मैं दोबारा सेम स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आपके सामने फ्लैश कर रही हूँ, इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए।
और अगर आप मेरी किताब मेरी कहानी की सीजन 2 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी राइटिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी किताबों की कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स आपको हमारे टीम मेंबर्स प्रोवाइड करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान जो 18 सेशंस हमारे हुए हैं, उसमें हम अलग अलग ऑथर से मिले हैं, उन सब से हमने बातचीत की है। मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने आंसर दिए। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए और आंसर्स उन्होंने दिए हैं। बट मुझे कहीं ऐसा लगा कि हमने आपस में एक दूसरे से बातें ही नहीं की, हमने एक दूसरे को जाना ही नहीं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि आज हम छोटा सा एक बातचीत का सेशन रख सकते हैं, जिसमें आप मुझे जान सकते हैं, मैं आपके बारे में जान सकती हूँ, ये जर्नी कैसी रही हम दोनों के लिए, तो हम ये चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, इस सेशन के एंड में हम वो बातचीत का छोटा सा एक सेगमेंट रखेंगे। तो इस प्रोग्राम में आप जुड़े रहिए और इस सेशन को एंड तक अटेंड कीजिएगा। एंड के कुछ 10-15 मिनट मैं आपके लूंगी और हम आपस में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जो जर्नी हमारी रही है अभी 18 दिनों की, वो हम आपस में शेयर करेंगे और मैं आपसे भी कुछ सजेशंस लेना चाहूंगी। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जिन ऑथर को हमने इनवाइट किया है, उन ऑथर से मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि आप उनसे जल्दी से कनेक्ट कर पाएँ, इजीली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में है, वो पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट उनका पैशन है। उन्होंने अपने करियर के 35 ईयर्स टेक्नो मैनेजरियल फील्ड को दिए हैं। ही हैज़ कंडक्टेड इन हाउस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। ही इज ऑन द मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑल्सो। ही इज एन एक्टिव इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स। ही इज ऑल्सो गाइडिंग पीपल ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट स्पीकर को, गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर अनिल राणे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार दर्शकों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम से जुड़कर आपको आज? मैं बहुत मजे में हूँ और आपका प्रोग्राम प्रोग्राम में जुड़ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम आपने बनाया बड़ा अद्भुत प्रोग्राम है ये। इसमें आप रोज एक ऑथर्स को बुला के उनसे चर्चा कर रहे हैं और ये अध्ययन बुक इसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ये विशेषता इसकी ऐसी ऐसी है कि जो भी ऑथर्स है ये केवल अध्ययन बुक के नहीं है, दूसरे पब्लिशर्स के भी आप बुला रहे हैं, और जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम से जुड़ के मुझे बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा हूँ मैं, और आपकी और आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ये। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। हमारा एक्चुअल में ये इंटेंशन ही था स्टार्टिंग से ही, कि हम हर तरह के ऑथर्स, हर टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक्स पर जो बुक्स लिखी जा रही हैं, उन ऑथर्स को हम इनवाइट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अध्ययन बुक्स के पब्लिकेशन से पब्लिश हुए हैं ऑथर्स वही इनवाइटेड हो, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से, जहाँ से भी ऑथर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम उन्हें जोड़ें। और आने वाले सेशंस में, आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम यही कोशिश करेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स पर आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम लेकर के आएँ। सर आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके साथ जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत एक कहते ना क्रिटिकल टाइप का है, जिसमें एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो आपसे अच्छे एक्सपर्ट शायद नहीं होंगे इस टॉपिक पर बोलने के लिए। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, और अभी आप क्या कर रहे हैं? शालिनी जी, ये महाराष्ट्र में एक जलगांव जिला है, तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट को मैं बिलोंग करता हूँ, जिसको कि बनाना कैपिटल ऑफ द कंट्री बोला जाता है जी। और फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ, जिसको कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री बोलते हैं। तो ये बनाना कैपिटल ऑफ द कंट्री से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री की जो जर्नी है ये बड़ी लंबी रही है, क्योंकि मेरे पिताजी एमपी स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करते थे और वही मेरा पूरा एजुकेशन एमपी में हुआ, और फादर की ट्रांसफर हर साल हुआ करती थी। तो मुझे याद है कि हमारे समय में HSC 11th का हुआ करता था, 11वीं की परीक्षा पास करते थे, तो मैंने 8 बार स्कूल चेंज करी। अच्छा। तो हर बार, हर साल ऑलमोस्ट हम स्कूल बदला करते थे। तो ये जैसे चलते रहा, हम जगह बदलते रहे,
और बाद में फिर एक बीच में स्टॉप आया 5 साल के लिए, जब मैंने इंजीनियरिंग करी 75 से 80 के बीच में, 5 साल एक जगह है, और इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद में फिर चलने का दौर चालू हो गया। फिर जॉब मैंने एमपी में किया, उड़ीसा में किया, तमिलनाडु में किया, फिर दिल्ली में पास किए जॉब, फिर महाराष्ट्र में किया, और आखिरी में मैं मुंबई में आया हूँ 2001 से, पिछले 21 साल से मुंबई में हूँ। अच्छा और लेकिन जो घूमने के बाद ऐसा हुआ कि हर जगह के कल्चर, हर जगह की भाषा, हम बोलते हैं कि हर 20 किलोमीटर में भाषा बदलती, कल्चर बदलते हैं, वो बड़ा अच्छा जी अनुभव रहा। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर को समझने का मौका मिला, और उससे जो व्यक्तित्व में बड़ी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आई और एडेप्टेबिलिटी भी आई, क्योंकि आप नई जगह जाते हैं तो आपको एडेप्टेबल होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तो उसका बिल्कुल फायदा मुझे ज़्यादा हुआ। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ और एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर की हैसियत से मैं काम करता था, रिटायर हुआ वहां से, और अभी मैं रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। जी जी सर बिल्कुल सर, आपका बैकग्राउंड फाइनेंस से है तो इस फील्ड में जाने का कैसे अवसर मिला आपको? शालिनी जी, बेसिकली तो मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग ही है, मैंने बी मैकेनिकल किया था, जी बाद में मैंने फिर ICW इंटरमीडिएट किया और PG डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो मैंने किया, और मटेरियल्स मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स किया IIM अहमदाबाद से। तो क्या हुआ कि फिर टेक्निकल और ये कमर्शियल मैनेजमेंट, ये पूरा खिचड़ी बन गई वैसे बोला जाए तो, कॉम्बिनेशन हो गया अच्छा पूरा। जी और इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद में बड़ा अच्छा माइक्रो फाइनेंस की बड़ी अच्छी समझ हो गई मुझे, बड़ा डीप नॉलेज मिला, उससे इन्वेस्टमेंट की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से कर पाया, क्योंकि इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड था, माइक्रो फाइनेंस का अच्छा अभ्यास हो गया था, टेक्निकल कमर्शियल सब, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा ये। जी जी सर, सर अगर मैं पूछना चाहूं तो आपकी हॉबीज क्या क्या हैं सर? आप फ्री टाइम में क्या करना चाहते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? शैलिनी जी, हॉबीज की यदि हम बात करें तो मैं तो बचपन में जाना चाहूंगा, तो ये अच्छा उस जमाना था जब ये सब आजकल के गेम्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, हम कंचे खेलते थे और गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो हमारी जी हॉबी वही थी बचपन में। फिर हमने जी गेंद गेंद से फुटबॉल खेला करते थे, फिर बाद में जब एजुकेशन पूरा हुआ तो मेरे स्विमिंग और टेबल टेनिस इसकी तरफ झुकाव बढ़ा, और ये बहुत सालों तक मैंने खेला, और बड़ी अच्छी मेरी हॉबी रही है। बाद में फिर जैसे दौर बदलते गया तो फिर वो फोटोग्राफी, ट्रेवलिंग और रीडिंग राइटिंग, इसमें मेरा इंक्लिनेशन बहुत बढ़ा है। तो फिलहाल तो मैं ट्रेवलिंग और फोटोग्राफी, रीडिंग राइटिंग में ज़्यादा समय अपना व्यतीत करता हूँ, और रिटायरमेंट के बाद समय बहुत मिलता है तो अपने हॉबीज़ को मैं अच्छा टाइम दे पा रहा हूँ फिलहाल। जी सर, सर राइटिंग की ओर झुकाव कैसे गया आपका? आपने कब शुरू किया राइटिंग करना, या बुक्स की तरफ झुकाव आपका कैसे गया? शैलरी जी, आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं ना, वो मुझे बचपन में लेके जा रहे हैं एक्चुअली, बहुत जी 25 साल 30 साल पहले सब सवाल मैं जवाब देने के लिए जा पा रहा हूँ। जब जी सर मैंने कॉरपोरेट जॉब चालू किए तो बेसिकली मार्केटिंग में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको इन हाउस भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये मैं बहुत एज अ फ्रेशर बहुत अच्छा नहीं था मैं, तो मैंने बड़ी बहुत उसमें ध्यान दे के सीखा 2-3 साल में, तो उससे मुझे अच्छा राइटिंग में बड़ी अच्छी हैबिट हो गई और हॉबी भी हो गई, ड्राफ्टिंग अच्छी करता था। बाद में फिर वो जो लिखने की आदत है वो बढ़ते गई, फिर मैं हम जो भी देश विदेश यात्रा करते हैं परिवार के साथ में, वो यात्रा वर्णन लिखना चालू किया मैंने, तो अच्छा उसके बाद में फिर आर्टिकल्स लिखने चालू किए फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और कुछ मैनुअल्स लिखे, तो वहां से मुझे फिर राइटिंग की आदत लगी फिर। जी जी सर, तो सर राइट जो आप लिखते थे आर्टिकल्स जैसे आप बता रहे हैं, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता था, उनका रिस्पांस कैसा रहता? फैमिली का तो बड़ा अच्छा सपोर्ट रहता था, उन्होंने हमेशा पॉजिटिवली लिया और बड़े इंकरेजिंग रहा है फैमिली की तरफ से। जी सर, तो सर अभी आपकी एक बुक आई है, एक बुक आपने लिखी है, पब्लिश हुई है आपकी बुक, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसका टाइटल क्या है और इस ये किस सब्जेक्ट के ऊपर है, ये थोड़ा बताइए प्लीज। चलिए, जो किताब अभी मेरी पब्लिश हुई है, पहली किताब है ये, इसका नाम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एंड क्रिएट वेल्थ, तो जी इस नाम से किताब है, और ये थोड़ा सा इस किताब का फोकस अलग है,
ये किताब केवल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की नहीं है बेसिकली, द मेन फोकस इज वेल्थ क्रिएशन, और वेल्थ क्रिएशन का तरीका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर, तो उस सब्जेक्ट में किताब लिखी है जी। जैसे कि आपने बताया कि वेल्थ क्रिएशन पे ये आपकी बुक बेस्ड है, तो सर यही टॉपिक चूज करने के बारे में क्यों सोचा आपने? आपकी ये फर्स्ट बुक है, तो इसी टॉपिक के लिए स्पेशल कैसे? हाँ एक्चुअली क्या हुआ, देखिए मैं अब जरा म्यूचुअल फंड में जाना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है ये पिछले 22 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, जब इंडिया में केवल दो ही फंड हाउस थे, यूटीआई और प्राइवेट में कोठारी पाइनियर हुआ करते थे, उस समय मैंने चालू किया। बाद में फिर वो इंडस्ट्री बढ़ते गई, आज करीब 44 फंड हाउसेज है और करीब 2,500 से ऊपर करीब फंड टोटल म्यूचुअल फंड होंगे। तो ये जो ग्रोथ रहा है म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री का, ये बहुत नज़दीक से मैंने देखा, क्योंकि मैं बड़ा एक्टिव इन्वेस्टर रहा हूँ इन म्यूचुअल फंड में। और एक बड़ी मैं आश्चर्य की बात बताऊँ आपको कि पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड का जो साइज है इंडस्ट्री का, ये 5 गुना बढ़ा है। ये $8 trillion की इंडस्ट्री हुआ करती 10 साल पहले, और आज ये $40 trillion की इंडस्ट्री है। और मजे की बात बताऊँ मैं आपको, जब ये मई जून में मेरी एडिटिंग मैंने चालू करी, उस समय 35.5 trillion थी। जब मेरी एडिटिंग खत्म हुई, मैं बोला एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ फिगर्स को, तो फिगर्स 35.5 से 40 ट्रिलियन हो गए। वो इतने फास्टेस्ट ग्रोइंग ये इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है, नंबर वन। नंबर टू, एक और मैं स्टेटिस्टिक देना चाहूँगा, स्टेटिस्टिक जो कि रिसेंटली मैंने पढ़ा है, कि जो टोटल इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, नॉट इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, नॉट द टेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड का जो शेयर है वो केवल 4.5% है, जो कि बहुत ही कम है। और यहाँ यदि आप ये देखें कि एफडी वगैरह आप देखें, तो एफडी भी आज 18% के करीब शेयर है। तो जबकि और ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि आज से हम 2-3 डिकेड पहले की बात करें, उन दिनों में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा हुआ करते थे, और जो इन्फ्लेशन रेट से 1.5 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट थे, तो एफडी करके पैसे का जो है वो वैल्यूएशन बढ़ रहा था, एप्रिसिएशन हो रहा था। आज यदि हम शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की बात करें, तो आज जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे इन्फ्लेशन रेट को ही मैच नहीं कर पा रहा है, और इंटरेस्ट के बाद में शायद हमारे इन्फ्लेशन से आधा ही हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन म्यूचुअल फंड वी आर डिवेल्यूटिंग अवर मनी, तो शायद वो एक कारण है कि लोगों का जो रुझान है वो म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट में लिखना चाहिए, बड़ा डिमांडिंग सब्जेक्ट है ये, और जिनको मैं एडवाइस करता हूँ वो मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि भाई आप बताओ क्या फंड हमें लेना है, हम उसमें ले लेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसा मत करो, आप यू बिकम ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बाइंग एंड व्हाई यू आर बाइंग, देन ओनली शुड बाई। बट मेनी पीपल दे वॉन्ट टू जस्ट ब्लाइंडली बिलीव एंड गो बाई द एडवाइजेस, विच इज ऑफकोर्स इज नॉट करेक्ट। तो इस लिए मैंने एक किताब लिखी, और ये किताब जो लिखने का जो शुरुआत हुई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं जो ऑथर बना हूँ बड़ा एक्सीडेंटली मैं बेसिकली मैंने किताब लिखी है। जी जी सर, यदि आप समय दे तो मैं बताना चाहूंगा कि उसकी स्टोरी कैसे मैंने लिखी हो। बिल्कुल 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 अनिल जी, ये तो प्रोग्राम ही है कि आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। ये क्या हुआ कि जो किताब मैंने लिखी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, ये दो पार्ट में शालिनी जी, तो पहला पार्ट तो मैंने लिखा था 2018-19 में, तो मैं उस समय इक्विटी मार्केट में बहुत एक्टिव हूँ मैं, तो मैंने सोचा इक्विटी मार्केट में किताब लिखनी चाहिए, तो इक्विटी मार्केट में मैंने किताब लिखना चालू किया, और करीब 250 पेज लिखे मैंने, तो 400 पेज की किताब थी वो, और फिनिश करने वाला था। तो बाद में फिर अचानक एक दिन माइंड में आया, किताब तो लिख रहा था चल रहा था, तो मैं बोला कि म्यूचुअल फंड में लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनको एक राइटअप छोटा सा दिया जाए, 10-15 पेज का राइटअप मैं दूंगा, तो उनको आइडिया लगे कि भाई हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगा कि 10-15 पेज है, 4-5 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो पहली वाली किताब को राइटिंग को साइड में रखा, और ये मैंने लिखना चालू किया। तो मैं लिखता गया, 10-15 पेज सोचा मैं, 10-15 पेज हो गए, 20-25 हो गए, 30-40 हो गए, 45-50 हो गए, लेकिन माइंड में जो इन्फॉर्मेशन थी वो खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा। तो ये मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया, बाद में
वो बेसिकली सेंटेंस फॉर्म में था, जब 50 पेज हो गया मैं बोला इसको थोड़ा पेराज में डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज थोड़ा मैं सेग्रीगेट करूँगा, तो थोड़ा उसको एडिटिंग करके सेग्रीगेट किया, फिर लिखना तो चालू था, डाउनलोडिंग चल रही थी माइंड से, करते करते 100 पेजेस हो गए पूरे। जब 100 पेजेस हो गए तो उसको और अच्छा ऑर्गेनाइज किया, फिर मैंने इंडेक्स बनाया उसका, कंटेंट बनाया और उसके हिसाब से उसको पूरा सेग्रीगेट किया, तो मुझे लगा था मिनी बुक बन गई। और जी मिनी बुक बनने के बाद में भी कंटेंट अभी माइंड से खत्म नहीं हो रहे थे, तो देन आई थॉट ऑफ कंप्लीटिंग द बुक। सो दैट वॉज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट ए बुक फॉर्मली। तो वो किताब मैंने लिखी, किताब पूरी की। वो किताब पूरी करने के बाद में एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, पब्लिशिंग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, अच्छा बिकॉज बेसिकली द बुक वॉज रिटन फॉर द इंटरनल सर्कुलेशन टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुम आई वॉज एडवाइजिंग एंड हुआ इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट द म्यूचुअल फंड इज। So from that point of view, I got the book printed about 50 copies and distributed to all my friends and relatives. तो उससे जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, जो फीडबैक मिला, रिव्यूज मिले, वो बड़े अच्छे थे। लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट किया, बोले बड़ी अच्छी किताब लिखी है। तो फिर भी माइंड में ऐसा कोई पब्लिकेशन की बात आई नहीं थी। तो हमारे एक रिलेटिव है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि उनके कारण ही मैं पब्लिशर बना हूँ, विनीत टोके, ही इज माई रिलेटिव। ही सेड कि आप जब इतनी अच्छी किताब लिखी है तो लेट पब्लिक गेट द पीपल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट यू रिटन एंड यू टेकन सो मच ऑफ पेन, लेट लेट इट गो टू पब्लिक बेसिकली फॉर देयर इन्फॉर्मेशन। वहां से दिमाग में आया कि हाँ इसको पब्लिश करना है, लेकिन पब्लिशिंग कहाँ करना है, कैसे करना है, कोई आइडिया नहीं थी। फिर लग गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के बाद सब चीज बंद हो गई और किताब जो है वो लैपटॉप में रह गई, जो घर में 2-4 कॉपियां रखी थी। फिर 2 साल के बाद में ये फर्स्ट पार्ट तो किताब लिखने का पूरा हो गया। फिर जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद में फिर एक्सीडेंटली अध्ययन बुक से मेरा कांटेक्ट हुआ। अच्छा जी सर, ऑलराइट। सो लगता है अनिल जी की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हम दोबारा से उन्हें ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस, ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द के ऊपर आज का सेशन शुरू हुआ है। और आपने देखा होगा कि इन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 37 ईयर्स इन्होंने अपने इस फील्ड को दिए हैं। इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड्स, ये इनका पैशन रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर के, या फिर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि जो चीज़ जो हम अर्न कर रहे हैं वो हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे की वैल्यू तब तक ही है जब तक कि हमें उसको इन्वेस्ट करना नहीं आता ढंग से। अगर हमने उसको अच्छे से इन्वेस्ट किया है तभी हम उस वो जो जो पैसा कमा रहे हैं उसकी वैल्यू कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपनी मनी को सही जगह पे लगा सकते हैं, कैसे उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर और भी इस संबंध में, इस टॉपिक को लेकर के कोई आपकी उलझन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप चैट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनिल सर अभी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई शायद, टेक्निकल प्रॉब्लम, और फिर वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, और कोई भी क्वेश्चन आपका अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स हम उनका वेट कर लेते हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, तक अनिल सर हमसे जुड़ते हैं तब तक आप और हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम की जर्नी के बारे में, मेरी इस प्रोग्राम की जर्नी के बारे में और अध्ययन बुक्स के बारे में, या फिर बुक्स को लेकर के कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप हमारी ऑडियंस हैं, सो मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी सीजन 2 को लेकर के स्पेशली। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जर्नी को लेकर के, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी इसका आंसर दे करके। जी जी अनिल सर, वेलकम बैक। आई एम सॉरी शालिनी जी, दर्शकों को मेरा एक्चुअली कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। हां जी, हां, तो मैं कहां पे था, लेट मी जस्ट थिंक। हां यस, हां जी, तो फिर अध्ययन बुक से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो फिर जब अध्ययन बुक से बात हुई, सोनू जी ने फिर मार्गदर्शन किया, तो फिर वो जो दबी हुई इच्छा थी, 2 साल से दबी हुई इच्छा थी, वो भी जागृत हो गई। हमने कहा नहीं, अब तो पब्लिश करना ही करना है। जी। तो फिर अध्ययन बुक के साथ में जुड़े, फिर 21 डेज का जो प्रोग्राम ज्वाइन किया, और जो पब्लिशिंग की जो टेक्निक्स थी या एडिटिंग की जो टेक्निक्स थी बिल्कुल भी पता नहीं थी, वो सीखी, फिर किताब को पूरा एडिटिंग किया और पब्लिशिंग हुआ।
तो ये इसकी पूरी कहानी ऐसी है। किताब जो बनी है बड़ी एक्सीडेंटली बनी है, राइटअप से चालू हुआ और लास्ट में किताब भी पूरी बन गई, किताब पब्लिश भी हो गई और अमेजॉन का नंबर 1 बेस्ट सेलर भी बन गई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी। फ्रेंड्स, अनिल जी की जो फर्स्ट बुक है, जो कि कह रहे कि एक्सीडेंटली बन गई थी, सर मैं तो ये बोलती हूँ कि फॉर्चुनेटली बन गई आपकी बुक। धीरे धीरे होते होते इस तरह से इस आपके पूरे राइटअप ने एक बुक का रूप ले लिया और कितने ही लोगों को हेल्प करी है इस बुक ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बुक अमेजोन पर नंबर 1 का खिताब जीत चुकी है। और इसके साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस आपसे करना चाहती है। आई थिंक ये उनका एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर आते ही बहुत सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गए हैं। सो मैं उनमें से एक का क्वेश्चन लेना चाहूंगी। संजीव शेखर जी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सर विच इज बेटर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी? सर इसका आप आंसर देना चाहें, विच इज बेटर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी? शैलेंद्र जी, देखिए इसके बारे में जो है ना, ये किताब में मैंने वर्णन किया है, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस है, चाहे बुलियंस के रहे यानी गोल्ड सिल्वर के रहे, या रियल इस्टेट से हम बात करें, रियल इस्टेट में भी 2 प्रकार के, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी हो सकती है, स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, या FD हो सकती है, या फिर बॉन्ड्स हो सकते हैं। इन सब का कंपेरिजन और प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिकली रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, साइकिल टाइम क्या है, हर हर इन्वेस्टमेंट का अपना साइकिल टाइम होता है, तो ये उस किताब में बड़ा डिटेल में वर्णन किया हुआ है। तो जहाँ तक आप शेखर जी, संजीव शेखर जी पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी जी में जो देखिए फर्क ये है कि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। यदि आप आज बेचना चाहे तो हो सकता है आप 4 महीने 6 महीने बेच भी नहीं पाए आपको, तो लिक्विडिटी कम रहती है। म्यूचुअल फंड में एडवांटेज कि किसी भी वर्किंग डे में उसको आप रिडीम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के साथ में। और प्रॉपर्टीज में जो है वो लिक्विडिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी में आपको बहुत लंबे समय तक तो होल्ड करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड जो है वो ऐसे है कि म्यूचुअल फंड में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यदि आपको 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करें तब भी आपके पास लिक्विड फंड की चॉइस अवेलेबल है, आपको 2 साल के लिए करना है तो आपको जो है उसके लिए भी आपको आपके पास चॉइस अवेलेबल है, बराबर है, आपके पास 5-6 साल की टेन्योर के लिए भी आपको चॉइस अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका चॉइस अवेलेबल है। तो जितना भी आपका हरिजन है, इन्वेस्टमेंट हरिजन, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी जो है लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट की जानकारी होना जरूरी है? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जिसको कि हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड इज ए प्रोडक्ट ऑफ शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, राइट? तो अल्टीमेटली व्हाट दे डू म्यूचुअल फंड हाउस, दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, और जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस फंड को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, गाइड करते हैं। तो फंड मैनेजर बेसिकली इट्स जॉब ऑफ फंड मैनेजर टू हैव द राइट प्रॉपर स्टडी ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड डिसाइड व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। तो फंड मैनेजर की हम बात करें तो फंड मैनेजर इज लाइक ए जॉकी। हम जब हॉर्स रेस कोर्स में जाते हैं, हॉर्स की जब रेस देखते हैं तो वी डू नॉट बेट ऑन द हॉर्स, वी बेट ऑन द जॉकी, जॉकी जॉकी इज अ पर्सन हु बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेस। तो फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं। तो हमें क्या, हमें इक्विटी मार्केट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, शेयर मार्केट की। हमें ये समझना है कि फंड सिलेक्शन कैसे किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा लुकआउट नहीं है, हम अच्छा फंड इन्वेस्ट करें और उसमें एग्जिट कैसे करनी है वो भी हमें आना चाहिए। यदि हम 2 चीज़ अच्छे से सीख गए तो फिर जो है हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। और ये दोनों चैप्टर जो है मैंने अलग अलग चैप्टर में कवर किया हुआ है, बहुत एग्जॉस्टिव वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। फंड सिलेक्शन में देर आर 22 मेजर पैरामीटर्स और इंक्लूडिंग माइनर देर आर 32 पैरामीटर्स दैट आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल, ईच एंड एवरी पैरामीटर्स आई हैव एक्सप्लेन डिटेल विद द एग्जाम्पल विद द केस स्टडीज। सिमिलरली फॉर एग्जिट ऑल्सो देर आर एग्जिट स्ट्रेटेजीज, 8 to 10 एग्जिट स्ट्रेटेजीज दैट आई हैव मेंशन इन द बुक, और ये दोनों हमें जानना बहुत जरूरी है। जी स्टॉक सर, मार्केट डायरेक्ट हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यदि सेक्टर्स के नॉलेज रहे और थोड़े से इंडेक्स मूवमेंट की, तो हो सकता है हमें एडेड एडवांटेज जरूर मिलेगा, बट अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत नहीं। जी
सर आपने अपनी बुक में एक चैप्टर है जो फाइनेंशियल गोल्स पर लिखा है, फाइनेंशियल गोल्स पर आपने पूरा चैप्टर लिखा है, तो म्यूचुअल फंड से कैसे रिलेटेड है ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। शैली क्या होता है ना कि हम मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मोस्टली लोग बोलते हैं कि किस फंड में लेना है और वो फंड ले लिया बात खत्म। तो बेचना क्या है, बेच दिया बात खत्म। तो ये बड़ा डायरेक्शन लेस इन्वेस्टमेंट होता है जो कि मैं 25 साल 20 साल 22 साल पहले किया करता था। यदि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देर आर 7-8 स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो और सेटिंग फाइनेंशियल गोल इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना है 25 साल के बाद में, तो उसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 25 साल का है, 30 साल का है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स अलग होगा। यदि हमें मकान बनाना है 15 साल के बाद में, उसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अलग है, उसकी इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से होगी। यदि हमें कार खरीदनी है 2 साल के बाद में, उसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अलग होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट अलग प्रकार की होती है। तो हमें सबसे पहले फाइनेंशियल गोल तैयार करना पड़ेगा और फाइनेंशियल गोल में हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमें कितने कॉर्पस की जरूरत है और कितने समय के बाद जरूरत है। तो फाइनेंशियल गोल के बाद में फिर जो है हर फाइनेंशियल गोल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग करनी है। ये नहीं कि हम एक फंड ले लिया, चार फंड कॉमन ले लिए। एवरी फाइनेंशियल गोल शुड हैव सेपरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड दे शुड नेवर बी मिक्स्ड अप। तो फाइनेंशियल गोल होने के बाद में फिर हमें ये पता चलता है कि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है। यदि हमें 1 साल के लिए करना है तो प्रोबेबली हम वॉलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हमारी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी डज नॉट मैटर। तो हमारे जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी प्योरली डिपेंड्स ऑन देर आर मेनी फैक्टर्स, 8-10 फैक्टर्स दैट आई एक्सप्लेन इन अ सेपरेट चैप्टर, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो कि हमें फाइनेंशियल गोल से मालूम पड़ता है। इसलिए फाइनेंशियल गोल है लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, इसको एक्सप्लेन किया गया है। और एक व्यक्ति के फाइनेंशियल गोल कितने प्रकार के हो सकते हैं, 8-10, उसको टेबुलर फॉर्म में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि पता चले कि कैसे गोल सेट करना है और उसको हम कैसे यूज करना है। जी जी सर। सर हम जैसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक पर्सन की, ये हम जानना चाहते हैं। हाँ, ये शालिनी जी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, ये ऐसा बोला जाता है इन्वेस्टमेंट में कि ओनली 30% ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्प्स यू एंड 70% इज साइकोलॉजी दैट रियली वर्क्स। तो आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो यदि हम साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें दो चीजें, एक तो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज इमोशनल स्टेबिलिटी? इमोशनल स्टेबिलिटी इज हाउ वी कैन मेंटेन अवर स्टेट ऑफ माइंड, राइट स्टेट ऑफ माइंड अंडर एनी एक्सट्रीम सिचुएशन। एक्सट्रीम सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली एडवर्स। इन बोथ द सिचुएशन वी शुड रिमेन कॉम एंड क्वाइट। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा मार्केट में करेक्शन आया और हम डर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। तो वन इज इमोशनल स्टेबिलिटी। दूसरा ये कि बायसेस, हमें बायस नहीं रहना है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायसेस। ओवर कॉन्फिडेंस इज वन, उसके बाद में फियर एंड ग्रीड इज वन, फिर कन्फर्मेशन बायस इज वन, तो और भी बायसेस है। तो ये किताब में मैंने जितने प्रकार के बायस है उसको सबको एक्सप्लेन किया हुआ है और हमें बायस को और ये फियर एंड ग्रिट को किस ढंग से हमें मैनेज करके एंड वी शुड रिमेन साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड बेसिकली। और रेशनल थिंकिंग हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें रेशनल रहना है। तो रेशनल थिंकिंग कैसी करनी है इसके बारे में जो टेक्निक्स है, 5-6 टेक्निक्स वो किताब में बताई गई है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बताऊँ स्टोरी जी साइकोलॉजी के बारे में। और ये बड़ा कॉमनली हम देखते हैं, जो भी दर्शक उनको भी अपना अनुभव रहा होगा कि जब भी हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है इन्वेस्टमेंट में तो हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमें सब चीज़ आती है और हमें सब आता है, तो हम जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को भूल जाते हैं और हमें लगता है हम सुपीरियर, वी नो एवरीथिंग, वी फॉरगेट फैक्ट्स एंड फिगर एंड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड When you are under any emotion, ये बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट में इमोशन की जरूरत नहीं है। अभी हम जो 18-20 दिन से जितने हम ऑथर्स सुन रहे हैं, जो फिक्शन ऑथर्स थे, they were talking about emotion,
आई एम टॉकिंग अदरवाइज, आई से डू नॉट बी इमोशन इमोशनल. हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते, यू शुड बी ऑलवेज रेशनल. व्हाट इज रेशनल? यू शुड नॉट बी नेगेटिव, यू शुड नॉट बी पॉजिटिव, यू शुड बी बैलेंस्ड. व्हाट इज व्हाट? यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स. वी शुड ओनली टॉक ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. यू शुड इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट बेस्ड ऑन आवर बायसेस. तो बायसेस क्या है? ये जैसे हम चश्मा लगाते, हरा रंग का चश्मा लगा, हरा दिखा, काले रंग का लगाया, काला दिखा. तो वो चश्मा निकाल के हमें हमें अनबायस्ड होके इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए. तो हम जब जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है थोड़े से सक्सेस से, तो हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं. और जब गलत डिसीजन लेने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें लॉसेस चालू होते हैं. जब लॉसेस चालू होने लगते हैं तो फिर हमको फियर चालू हो जाता है. पहले ग्रिट था, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो हमें ग्रिट लगता है कि हम बहुत कमाएंगे, लोग लोन भी ले सकते हैं, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे. जब लॉसेस चालू हो गया तो फिर उसके बाद में जो ग्रिट हैज बिकम फियर, एंड ओवर कॉन्फिडेंस हैज बिकम, ही बिकम्स वेरी फियरफुल. तो फिर क्या होता है, वो भी एक रॉन्ग साइकोलॉजी है. यू शुड नॉट बी नाइदर फियरफुल नॉर शुड बी ग्रीडी, शुड बी बैलेंस्ड ऑलवेज. तो ये साइकिल चलता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ग्रीड फियर, ग्रीड फियर, ग्रीड फियर घूमते रहता है. तो ग्रीड और फियर से बचने के जो तरीके हैं या बायसेस से बचने के तरीके हैं, इसकी 8-10 टेक्निक बताइए. उसकी एक टेक्निक बताता हूँ मैं यहाँ पे, डिटेल में तो बात हो नहीं पाएगी, समय कम है. वो ये है कि हमें सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं लेना है. वी शुड ऑलवेज टेक क्वांटिटेटिव डिसीजन. जब मैं क्वांटिटी डिसीजन की बात करता हूँ तो हर चीज को, हर बात को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ नंबर्स, नंबर्स आर नेवर रॉन्ग. अवर सब्जेक्टिव थॉट्स कैन बी रॉन्ग, नंबर्स कैन नेवर बी रॉन्ग. तो जो भी हम, मैंने उसमें बताया है कि भाई फंड सिलेक्शन के तरीके हैं या एग्जिट मेथड्स के जो तरीके हैं, उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स, उसको हम वेटेज दें और वेटेज दे के हम उसको न्यूमेरिकल वे में करें, तो वी कैन नेवर टेक अवर, आई मीन, अनबायस्ड डिसीजन. सो दैट इज व्हाट द साइकोलॉजी इज अबाउट. साइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड बुक्स साइकोलॉजी इज नॉट टॉक्ड अबाउट. Then financial goal is not talked about. Then आपका wealth creation techniques is not talked about. So when we talk of mutual fund, people talk of mutual fund only. लेकिन केवल mutual fund की information से हम wealthy नहीं बन सकते. हमें soft skill होना बहुत जरूरी है. ये सब जो ये जितनी skills है ये होना बहुत जरूरी, इसलिए सबको मैंने समावेश किया किताब के अंदर. जी तो फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि खाली आपको फैक्ट्स, खाली आपको आंकड़े और फैक्ट्स जो है इनका पता होना जरूरी नहीं है. ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें से एक है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी. अगर आप इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आई एम श्योर उसकी जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे. सही कह रही हूँ मैं अनिल जी? हाँ, एकदम बराबर है, बराबर है. जी सर, एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं जो आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं. इनका नाम भी संजीव है, संजीव जैन जी. ये पूछ रहे हैं, हाउ टू चूज अ सेफ एंड सिक्योर फंड फॉर इन्वेस्टमेंट. हाँ संजीव जी, मैं बोलना चाहूंगा, देखिए जो अच्छा फंड हमें चाहिए बेसिकली, तो उसकी डेफिनेशन हम ऐसे स्ट्रेट नहीं बता सकते. क्यों? कि जैसे मैंने कहा, आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा, फिर आपको फाइनेंशियल गोल से आपको अपनी रिस्क एपिटाइट फाइनल करनी पड़ेगी. रिस्क एपिटाइट कैसे? आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या फिर आप मॉडरेट इन्वेस्टर है या आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो आपको समझना पड़ेगा. हर इन्वेस्टर की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, वो समझनी पड़ेगी. उसके बाद में आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा. वो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग होने के बाद में फंड सिलेक्शन होता है. तो आज मार्केट में जैसे 2,500 फंड है, तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फंड इज गुड. माय आंसर इज एवरी फंड इज गुड. फंड कोई खराब नहीं है. क्वेश्चन इज विच फंड सूट्स यू इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड इट डिपेंड्स ऑन द एवरी इंडिविजुअल, इट इज डिफरेंट. आई टेल यू, माय ब्रदर इन लॉ इज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. सो व्हेन आई एडवाइज टू हिम, आई एडवाइज हिम द कंजर्वेटिव फंड्स. आई एम एज एन इन्वेस्टर एग्रेसिव इन्वेस्टर. तो मुझे एग्रेसिव फंड्स इन्वेस्ट करने में मजा आता है, और वो भी विद लॉजिक ऑफ कोर्स. व्हेनेवर वी टॉक विद द लॉजिक विद द फिगर्स. तो देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड फंड. व्हाट वी शुड लुक फॉर ए सुटेबल फंड, नॉट द बेस्ट फंड. द फंड शुड बी सुटेबल टू माय साइकोलॉजी, माय नीड, माय फाइनेंशियल गोल. यदि हम उसको अलाइन करें,
हमारे फाइनेंशियल गोल्स को, हमारी साइकोलॉजी को, इसको अलाइन करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हॉरिजन, हमारे इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को अलाइन करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी हम हमारे फाइनेंशियल गोल को और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज एवरी फंड इज गुड, नन ऑफ द फंड इज बैड, बट वेदर इट सूट्स अस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो संजीव जी, आई एम श्योर आपको लंबी प्रोसेस है, इसीलिए किताब लिखने का पर्पस ये है कि हम उस प्रोसेस पर। हाँ जी, यस प्लीज। सो मैं ये कह रही थी सर कि संजीव जी को अपना आंसर मिल गया होगा, आई एम श्योर। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में SIP की काफी चर्चा होती है, तो सर ये SIP के बेनिफिट्स थोड़े हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। शैलिनी जी, आजकल ऐसा हो गया ना कि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो लोग इमीडिएटली SIP की बात करते हैं, और SIP और म्यूचुअल फंड ये बड़े पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। तो मैं बताऊं SIP की सबसे पहली बात तो बताऊं मैं आपको कि जो इन्वेस्टमेंट्स है, अभी संजीव शेखर जी ने रियल एस्टेट की बात करी, मैं इक्विटी की बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, तो बहुत सारी रिस्क रहती है। चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें या कहीं भी करें, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। इवन FD ऑल्सो इज नॉट, FD के भी जो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, राइट। तो वन सेकेंड, आप क्वेश्चन जरा रिपीट करिए, मैं थोड़ा डाइवर्शन हो गया जरा। जी सर, सर मैं ये पूछ रही थी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में SIP, सॉरी, SIP की हम बातें कर रहे थे। तो ये बड़ी, एक तो हमारा ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि लिक्विडिटी का हमें रिस्क रहती है, कैपिटल लॉस हमारा हो सकता है, राइट। हमने लगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के 50,000 हो गए, वो भी नुकसान हो सकता है। लिक्विड, हमें पैसे की अर्जेंसी है लेकिन हमारा प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। तो हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें जो है 3 प्रकार की रिस्क रहती है। पहली है इंडस्ट्री रिस्क, सेकंड इज सेक्टर रिस्क, और तीसरा मार्केट रिस्क। ये 3 प्रकार की रिस्क इक्विटी मार्केट में होती है। आई एम रिपीटिंग, इंडस्ट्री रिस्क, सेक्टर रिस्क और मार्केट रिस्क। अब म्यूचुअल फंड में एडवांटेज क्या है कि जो सेक्टर रिस्क और इंडस्ट्री रिस्क है वो कम हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो या बहुत कम हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क ऑलवेज ओनली, राइट। इसलिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट थॉरली, दिस दैट, जो भी डायलॉग है उसमें हम इसीलिए था। तो मार्केट रिस्क जो है ये बचती है, 2 रिस्क कम हो जाती है। अब मार्केट रिस्क को कम कैसे किया जाए, सवाल ये है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कल को वॉलिटिलिटी आएगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है। उसके लिए SIP इज अ बेस्ट वे, SIP इज अ बेस्ट वे टू रिड्यूस द मार्केट रिस्क। होता क्या है कि हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, आज हम इन्वेस्ट कर देंगे, कल मार्केट गिर सकता है। तो 1 लाख को यदि हम 20,000 पर मंथ के हिसाब से करें, 5,000 रुपीज वीकली के हिसाब से, 5 महीने में, तो हमारा जो NAV है, बाइंग जो NAV है, दैट गेट्स एवरेज आउट। तो हम जो है इसकी वॉलिटिलिटी को हम कम करते हैं, बेसिकली मार्केट रिस्क को हम कम करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, बड़े ब्यूटी एक SIP की बहुत बड़ी ब्यूटी ये है कि इसमें आपको अननोइंगली सेविंग हो जाती है। आपने 5,000 रुपीज का SIP कर दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा SIP चल रही है, और ऑटोमेटिक ऑटो मोड में, ऑटो पायलट मोड में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका ऑटो पायलट मोड में, और जैसे जो फर्स्ट चैप्टर मेरा है जिसमें मैंने बात करी है वेल्थ क्रिएशन की, तो उसमें सेविंग की टेक्निक्स बताए, डिफरेंट टेक्निक्स बताई है, और 4 कंडीशंस बहुत डिटेल में बताई है। तो उसमें ये है कि जो लास्ट टेक्निक है, तो उसमें ये कि आपको जो है पहले डिसाइड करना है कितनी सेविंग करनी है। तो योर इनकम माइनस सेविंग, प्री प्लांट सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर, तभी तभी आप जो फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, टारगेटेड फाइनेंशियल गोल को, राइट। तो बहुत डिटेल में बताया है उसमें, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। तो यदि हमें ये फाइनेंशियल गोल जल्दी अचीव करने हैं और हमें टारगेटेड सेविंग हर महीने करनी है ऑटोमेटिक ऑटो मोड में, SIP इज द बेस्ट वे। अब मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जी, आई वॉज सिटिंग विद माई बॉस वंस, सो ही टोल्ड मी कि मेरी SIP चल रही है इतने इतने हजार की। आई आस्क्ड हिम कि भाई कितना कॉर्पस हो गया, बोले 4-5 हजार होगा। कितने साल से? हाँ, इतने साल से चल रही। बोला लेटेस्ट सी कितना? बोले मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत साल से मैंने देखा नहीं, लेकिन 4-5 लाख होगा।
तो आई टुक द डिटेल एंड फाउंड आउट एंड द कॉर्पस वॉज 18 लाख रुपीज। तो ये है कि उनको लगा 4-5 लाख है, शायद वो वॉच भी कर रहे होंगे आज, आई डो नॉट नो। तो ये क्या होता है कि जब हम ऑटो वोड में हमारी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है तो हमारी जो वेल्थ क्रिएशन होती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेल्थ क्रिएशन इज साइलेंट प्रोसेस, ये चुपचाप होती है, और ये जो होती है 24/7 होती है, कोई संडे सैटरडे छुट्टी नहीं होती है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन जो है आपका होता रहेगा विदाउट योर नॉलेज, राइट। और ये जो है बात होती है, दिस हैपन्स थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपकी जब रेगुलर इन्वेस्टमेंट चल रही है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑटो मोड में चलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटो मोड में चलेगी, और आपकी जो है सेविंग ऑटो मोड में चलेगी, आपका जो मार्केट रिस्क भी कम हो जाएगी। SIP में हर प्रकार के एडवांटेज है जो भी आप सोच सकते हैं, इसलिए SIP बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल। जी सर, आपसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी नई नई जानकारियां मिल रही है और नई नई बातें, आप एक कहते हैं ना कि अंदर की गहराई वाली बातें हैं, वो एक एक परते खोल रहे हैं, बता रहे हैं हमको। सो आई एम श्योर हमारी पूरी सारी जो ऑडियंस है वो बहुत ध्यान से सुन रही है आपकी सारी इंफॉर्मेशन को, आपकी एक्सपीरियंसिस को। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगी कि आपने एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में बात की है इसमें, तो वॉट इज एग्जिट स्ट्रेटजी, क्या है ये चीज़, ये भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, ऐसा है कि हमें सुटेबल फंड लेना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने सुटेबल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब बाहर कब निकलना है और कैसे निकलना है। तो हम जब एग्जिट करें उस समय भी हमें अपने इमोशन कंट्रोल में रखने हैं, उस समय भी हमें जो है अनबायस डिसीजन लेना, उस समय भी हमको रेशनल थिंकिंग करनी, नंबर वन। नंबर टू, एग्जिट स्ट्रेटजीज के भी देयर आर 8-10 स्टेप्स 8-10 स्ट्रेटजीज। सो ऑल दोज स्ट्रेटजीज आर डिस्कस इन द बुक, राइट। I would like to show my book. Just see. This is my book. जी, right. तो ये वो स्टडीज बताई गई है। तो यदि हम गलत समय में एग्जिट करते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। और कई बार ये होता है कि साइक्लिक फंड्स है, तो इफ यू डू नॉट एग्जिट इन टाइम, सो वट एवर प्रॉफिट वी अर्न वी मस्ट रिटेन इट, वी प्रोबेबली दैट प्रॉफिट गेट कैन गेट रिड्यूस्ड। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है महाभारत से। अभिमन्यु जो थे, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही वॉज फाइटिंग द वॉर फॉर पांडवास एंड ही न्यू हाउ टू इंटर इन द चक्रव्यूह, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू कम आउट। ही फॉट द वॉर ब्रेवली बट ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू कम आउट। तो म्यूचुअल फंड भी वैसे ही है, हमें इन्वेस्टमेंट तो हम कर लेते हैं लेकिन बाहर कब निकलना है, कैसे निकलना है, वो हमें पता नहीं चलता, तो हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसलिए जो है ये चैप्टर भी इसीलिए लिखा है कि भाई आप समझिए कैसे करना है। हमें पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है हर क्वार्टरली, 6 मंथली, जो भी हमारा हम टाइम डिसाइड करें उसको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। पोर्टफोलियो रिव्यू डज नॉट मीन कि हमने रिव्यू किया और फंड बेच दिए, नो, यू शुड नॉट रिव्यू द फंड। पोर्टफोलियो रिव्यू इज लाइक पीरियडिकल हेल्थ चेकअप। हम हेल्थ चेकअप क्यों करते हैं, जस्ट यू नो एवरीथिंग इज वेल, दैट्स ऑल। हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे इसीलिए करेंगे जस्ट टू नो ऑल इज वेल। एक्शन शायद नहीं भी लेने पड़े, इफ ऑल इज वेल जस्ट कीप क्वाइट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। जब हमें पता चलता है कि 12 फंड में से एक फंड में गड़बड़ चल रहा है, रिसेंटली फुटबॉल मैचेस हुए, बड़े एक्साइटिंग मैचेस थे। फुटबॉल में क्या होता है, जब भी प्लेयर गड़बड़ करता है उसे येलो कार्ड हम देते हैं जी। तो येलो कार्ड का मतलब है भैया बी कॉशियस, अभी आप गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ करोगे तो बाहर हो जाओगे। तो जो फंड गड़बड़ करता है उसको येलो कार्ड हम दे देते हैं। एंड देन ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू वी एनालाइज दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड क्रिटिकली टू चेक वेदर इट हैज इम्प्रूव्ड और इट इज फर्दर डिटूरेटिंग। एंड आफ्टर गिविंग इनफ अपॉर्चुनिटी फंड इज स्टिल नॉट इम्प्रूविंग, तो नेक्स्ट येलो कार्ड, एंड 2 येलो कार्ड से होता है 1 रेड कार्ड एंड द फंड इज आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो कैसे हमें इवोल्यूशन करना है, पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करना है, उसकी क्या टेक्निक्स है, वो भी डिटेल किताब में बताइए। अभी शायद समय भी नहीं है तो डिटेल में हम बात भी नहीं कर पाएंगे, बट व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू, पोर्टफोलियो रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट पीरियडिकली एंड अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ती पैसे की, हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए तो हमें किसी फंड को निकालना पड़े, देन वी शुड नो विच फंड टू रिडीम, दैट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू इवेल्युएट द फंड एंड हाउ टू डिसाइड विच फंड टू बी रिडीम्ड। That is all about the exit strategies. There are many strategies that I have written in the book.
जी सर, सर आपकी बुक काफ़ी टेक्निकल है और आप जैसे बात भी कर रहे हैं तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इसमें आपका एक्सपीरियंस तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन क्या कोई रिसर्च भी आपने इस बुक के लिए की है? हाँ, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले टेक्निकल टर्म्स में आता हूँ। जो जी म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी भी पॉसिबल टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं, वो सभी टर्मिनोलॉजी को मैंने अलग से चैप्टर में लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी। वो इसलिए कि शायद इन्वेस्ट जो किताब खरीदे रीडर, वो ही में भी न्यू रीडर, बेसिकली न्यू न्यू इन्वेस्टर, ही मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग दोज टर्मिनोलॉजीज। इफ ही डज नॉट नो द टर्मिनोलॉजी, ही विल नॉट अंडरस्टैंड द बुक। सो ही हैज टू, वंस ही रीड ऑल द टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बुक प्रॉपरली। सो दैट आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज फार एज टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न। दूसरी, आप रिसर्च की बात आपने करी है, तो लास्ट 20 ईयर्स आई हैव बिन रिसर्चिंग द म्यूचुअल फंड्स। अब ये रिसर्च कैसे करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। जी अभी ऐसा है कि जो 22 या 30 डिफरेंट पैरामीटर्स है हमारे फंड सिलेक्शन के, तो ऑन एवरी पैरामीटर वी कैन रिसर्च, और समटाइम ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू पैरामीटर्स वी कैन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी टॉक ऑफ स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोलने की बड़ी आजकल फैशन चली है, भाई क्या कर रहे हो, वैल्यू इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, मे बी अनिल जी का नेटवर्क इश्यू दोबारा से हो गया है, सो नो प्रॉब्लम। सर फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है ये प्रोग्राम, कैसा चल रहा है ये आज का सेशन? इतनी टेक्निकल बातें हो रही हैं, टेक्निकल टर्म्स में बातें हो रही हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं अनिल सर अपनी बुक के बारे में और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपके क्वेश्चंस भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं। आई एम श्योर आप सब इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा आपको, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से इनको हैंडल करें, क्या क्या आपकी जो क्वेरीज हैं उनको कैसे सॉल्व करें, इन सब चीज़ों के बारे में सर बहुत डिटेल के साथ बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम डिटेल में और उनसे बातचीत करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर करते रहिए, मैं ज़रूर उनसे क्वेश्चंस आपके लूंगी और वो सर आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, जो सर की बुक है, आई एम श्योर वो बुक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन की लिखी हुई है, टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको ये बुक ज़रूर उनकी परचेस करनी चाहिए। उसकी जो परचेसिंग की डिटेल्स है वो थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमेजोन पर ये बुक बेस्ट सेलिंग का खिताब जीत चुकी है, नंबर 1 बन चुकी है, सो आप सोच सकते हैं कि ये बुक कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है। हाँ जी सर, वेलकम बैक सर। ये टेक्निक्स आई एम जी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई डो नॉट नो, देर इज सम प्रॉब्लम इन द वाईफाई, बट ओके, लेट्स कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम सो सर। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिसर्च। तो रिसर्च ऐसा है कि वंस देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच बेसिकली आई केप्ट ऑन रिसर्चिंग ऑन द म्यूचुअल फंड। तो हम जब वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो लो पी रेशो और लो लो पी बी रेशो, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो पी बी रेशो वेरीज फ्रॉम 2.5 to 4.5, पी रेशो वेरीज फ्रॉम 18 to 35, 30 इवन 37, 40 आल्सो। तो ये वैल्यूएशन ऑफ फंड्स मिल रहा है, तो मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, तो उसमें एक रिसर्च किया। सेकंड, जब 4-5 साल पहले रिसेशन आया था, तो उसमें जो स्मॉल कैप फंड्स है बेसिकली, वो 20-21% तक रिट्रेसमेंट उसमें हो गया था। एक फंड में 32% रिट्रेसमेंट हुआ। सो आई थॉट कि दिस इज हाई बीटा फंड, आई मीन द सेंसिटिव फंड। सो इफ आई इन्वेस्ट इन सेंसिटिव फंड नाउ, व्हेन द मार्केट विल इंप्रूव, दिस विल इम्प्रूव फास्ट। सो दैट वॉज अनदर वे आई डिड द इन्वेस्टमेंट। कई बार होता है कि कुछ फंड साइक्लिक होते हैं, तो साइक्लिक फंड में आप इंटर कर सकते हैं, यदि आपको स्टडी करनी है तो देखने के लिए कि भी कैसे फंड परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ फंड ऐसे हैं जो बहुत ही स्टेबल रहते हैं। देर आर मेनी फंड्स विच आर, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द फंड्स राइट नाउ इन द प्रोग्राम। देर आर मेनी फंड्स विच आर स्टेबल फॉर ईयर ऑन ईयर। इफ यू सी द रिकॉर्ड फॉर 2, 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर और इवन 10 ईयर, दे आर स्टेबल। यू इन्वेस्ट इन दोज फंड्स एंड सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग। कई बार ये होता है कि हम आईपीओ में लगा के देखते हैं कि भाई आईपीओ कैसे परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल फंड में हमको सेक्टर एनालिसिस समझ में आता है कि किस सेक्टर में कितना वेटेज है। यदि हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को लाइक करते हैं, तो जिस फंड में वो सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है, उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि भाई ये कैसा परफॉर्म कर रहा है उस ढंग से। तो इसी तरीके से हम हर पैरामीटर्स में अपना रिसर्च कर सकते हैं, विच आई हैव बीन डूइंग। एंड ये सब स्टडी करने के बाद में
ये समझ में आता है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है। जी सर, सर आपकी बुक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, सो हम जरूर इसको पढ़ना चाहेंगे। तो अगर आज हम आपकी बुक परचेस करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें? हाँ शालिनी जी, देखिए दर्शक 1 घंटे से जुड़े हुए हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं, तो कुछ तो देना बनता है। तो 25% डिस्काउंट आप मेरे तरफ से कर सकते हैं किताब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू। हमको बेसिकली क्या है ना, आई वांट टू स्प्रेड द नॉलेज, तो कोई इश्यू नहीं, आप करिए 25%। जी सो फ्रेंड्स, जैसा कि सर बता रहे हैं कि इनकी बुक पर 25% का डिस्काउंट ये दे रहे हैं आज, तो अभी और मेरे ख्याल से 24 घंटे के लिए ये अवेलेबल है ये वाला ऑफर। तो अगर आप अमेजोन पर जाकर इनकी बुक परचेस करते हैं तो 25% का MRP पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इतनी अच्छी बुक को परचेस करने का इतना बढ़िया डिस्काउंटेड मौका आप मत चुकिए। इस बुक को परचेस कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो आपकी इन्वेस्टमेंट की स्किल्स हैं इसको आप और बढ़ा सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में। सर, अगर आपसे हम कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? शालिनी जी, मेरा ईमेल आईडी है anilgrani2008@gmail.com। जी तो इसमें ईमेल आईडी में आप कांटेक्ट दर्शक कर सकते हैं मेरे साथ, किसी भी प्रकार के एडवाइस लेनी है या कुछ कम्युनिकेशन करना है तो इसमें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सर से एडवाइस लेना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इस पर जाकर के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एनी मैसेज टू आवर ऑडियंस, कुछ आप उन्हें एडवाइस देना चाहें म्यूचुअल फंड को लेके या कुछ भी, प्लीज। चलिए रिपीट करें क्वेश्चन, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था। जी, मैं पूछूं सर, एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस, आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं हमारे यूथ को इन्वेस्टमेंट को लेकर के? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो गोल्डन रूल ये है कि आप इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन या सोशल मीडिया को पढ़ के इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप अपनी स्टडी करिए, बिकम ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। यू माइट टेक एडवाइस फ्रॉम द एडवाइजर, आपके पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो सकते हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बाइंग एंड व्हाई यू आर बाइंग, नंबर वन। नंबर टू, कीप योर बायसेस अवे व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, राइट? बी बैलेंस्ड एंड अनबायस्ड, हैव रेशनल थिंकिंग, और जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस को पूरा फॉलो करिए इन्वेस्टमेंट के, किसी प्रोसेस को आप बाईपास मत करिए, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट है या फिर एग्जिट स्ट्रेटजी है, एंड एंजॉय योर इन्वेस्टमेंट, एंजॉय योर ग्रोथ। जी जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इतनी अच्छी शुभकामनाओं के लिए और इतने काइंड वर्ड्स के लिए। आपसे बातचीत करके हमें बहुत सारी नई नई चीजें पता चली है, बहुत नॉलेज हमारी इंप्रूव हुई है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शालिनी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा प्रोग्राम की शुरुआत है। अच्छा जी सर, इतनी जल्दी इतने जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी बहुत चीज बोलने के लिए बाकी है, बहुत चीज डिस्कस करनी है, समय नहीं है, कभी बाद में चांस मिलेगा हम जरूर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आपको भी धन्यवाद, आपकी टीम को मेरे तरफ से आप धन्यवाद बोलिए, और मेरे तरफ से उनको अभिनंदन करिए, बहुत मेहनत वाला काम आप कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ऑथर मिस्टर अनिल राणे जी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर के इतनी सारी नॉलेज हमें दी। सच में इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इनकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि हर चीज़ की नॉलेज होना इंसान को कितना ज़रूरी है। अब आप जैसे ले लीजिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, कि एक छोटी सी बात है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स हैं। जैसा कि सर ने बताया, साइकोलॉजी है आपकी, आपके फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, इन सबको देखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे छोटी से छोटी जगह पर इन्वेस्ट करें या बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और अगर आपको कहीं से नॉलेज लेनी है तो सर जैसे ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, इनकी बुक है, तो इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को जो है सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के, तो अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज 19 डेज कंप्लीट हो गए हैं, मैं 19 सेशंस बोलूँगी कंप्लीट हो चुके हैं, तो 19 दिनों की जर्नी आपकी कैसी रही,
क्या क्या आपने सीखा, क्या आपको बेसिक लर्निंग मिली यहाँ से, कितना कुछ आपने देखा है, सुना है, ऑब्जर्व किया होगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और मतलब कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका 19 दिनों का। सिर्फ 2 दिन, 2 सेशन हमारे बाकी है, फिर इस बार का सेशन ये, इस बार का प्रोग्राम ये फिनिश हो जाएगा। हम अगले सेशन में मिलेंगे, अगले साल आपसे मिलेंगे। तो कैसी रही आपकी जर्नी, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, इस इवेंट को हमने जो ऑर्गेनाइज़ किया है इसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर सीज़न 2 के बारे में कुछ क्वेश्चन है आपके, तो आप चैट बॉक्स में अभी मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। सो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोग्राम, ये इवेंट अच्छा लग रहा है, तो आप ऑसम, गुड, नाइस कुछ भी लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतने सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इन पूरे 19 दिनों के अंदर, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा आपको, सबसे अच्छे टॉपिक पर बेस्ड बुक कौन सी लगी, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट। जी, सबसे बेहतरीन टॉपिक जो हमने, जिस पे हमने डिस्कशन किया हो, आपको पसंद आया हो, वो भी आप हमारे साथ चैट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। पेरेंटिंग का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हमने टच किए हैं। जी प्रीति, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। आरा श्रीवास्तव जी पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबली टाइम ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके सर, अभी इसका टाइमिंग और डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मार्च में सीज़न 2 को शुरू करने का सोच रहे हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में हम सोच रहे हैं कि इसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं की हमने, बट फेब मार्च तक हम लोग सेकेंड सेशन शुरू करेंगे, सेकेंड सीजन शुरू करेंगे। जसपाल जी, थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे। आप इतना अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप कोई ऐसा चेंज आप चाहते हैं कि हम सीज़न 2 के लिए कुछ चेंज करें, जो हम, हमारे जो फॉर्मेट है इस सीज़न 1 का, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हम सीज़न 2 में उसको ऐड करें या कुछ चेंज करें, जो आप चाहते हैं कि सीज़न 2 में आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कोई टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी बुक होनी चाहिए या डिस्कशन होना चाहिए, तो अगर आपकी पसंद के कोई टॉपिक्स हैं, आप कुछ टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं जो हम सीज़न 2 में ज़रूर उसको ऐड करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े और उससे रिलेटेड बुक भी हमारे पास हो। तो कोई आपके फेवरेट टॉपिक हो जिसपे आप सुनना चाहते हैं, डिस्कशन सुनना चाहते हैं हमारी, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच राकेश जी, एवरी सेशन वॉज यूनिक। थैंक यू सो मच सर, आपके जो कमेंट्स हैं सर, ये फ्रेंड्स, ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें और मोटिवेट कर रहे हैं सीज़न 2 के लिए, क्योंकि अब सीज़न 1 फिनिश होने वाला है, तो अब हमें सीज़न 2 के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए, ताकि हम उसको और बेहतर बनाएं इस प्रोग्राम को। तो आप लोगों के कमेंट्स, आपका अप्रिसिएशन हमें एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है, तो प्लीज़ कॉमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप लिख रहे हैं, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल जर्नी ऑफ 19 डेज। थैंक यू सो मच सर। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें फ्रेंड्स, जो आप सीज़न 2 में सुनना चाहते हैं, डिस्कशन करवाना चाहते हैं हमसे, सो मोस्ट वेलकम। अच्छा फ्रेंड्स, एक और मैं चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो कि सीज़न 2 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। प्लीज़ आप चैट बॉक्स में मी लिख के बता सकते हैं कि आप एज अ गेस्ट, एज एन ऑथर, पब्लिश ऑथर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सीज़न 2 में, तो आप चैट बॉक्स में मी लिख करके हमें बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये शेयर करते हैं कितने लोग हैं जो हमारे साथ सीज़न 2 में हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, डॉक्टर सुरेश जी आप जुड़ना चाहते हैं, थैंक यू सो मच सर।
फ्रेंड्स, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि नेक्स्ट सीजन में भी 21 ऑथर्स है, क्योंकि ये 21 डेज का ही प्रोग्राम होगा और 21 पब्लिश ऑथर्स के लिए ही स्लॉट्स होंगे। तो आप जितना जल्दी अपनी बुकिंग करवाएंगे, जितना जल्दी हमारे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करेंगे, तो आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी। अदरवाइज अगर 21 ऑथर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद फिर आपको आपकी जो टर्न है वो नेक्स्ट सीजन में आएगी। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो जो मैंने आपको कांटेक्ट नंबर फ्लैश कर किए थे, अभी मैं एक बार दोबारा से वो नंबर्स आपके सामने फ्लैश कर देती हूँ। इन नंबर्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ और अपना सीट बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दोनों ही जगह पर ये अवेलेबल है। सुदर्शना जी, थैंक यू सो मच, हमसे जुड़ने का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आप। अनुराधा जी, जी सर, SAF इनोवेटिव वेंचर्स जी। सो फ्रेंड्स, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर्स पर। आपसे वन ऑन वन फेस टू फेस बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके प्रीति जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, जो आप कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर भी बातचीत होनी चाहिए, तो मैं इसको नोट कर लेती हूँ। नेक्स्ट सीजन में हम इस टॉपिक पर ज़रूर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्सपर्ट को इनवाइट करेंगे जो अच्छे से इस पर हमसे बातचीत कर सके। या चिरंजीत, चरणजीत कौर जी, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है। मैं नेक्स्ट सीजन में ज़रूर इस पर ध्यान दूंगी और ये चीज़ हम ज़रूर ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके एडवाइस, आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम है। आप अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जितना आप सजेस्ट करेंगे उतना ही हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हम जो अभी हमने प्रोग्राम किया है उसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही के लिए है, तो अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे, आपकी तरफ से अगर सजेशंस आएंगे, तो ये हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा होगा। जी प्रीति कुमारी जी, आपका अगले सीजन में वेलकम है, जरूर हमारे साथ जुड़िए। संदीप जी, ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो अनिल सर ने काफ़ी अच्छे से बताया है, इस बारे में मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम नेक्स्ट सीजन में दोबारा से उन्हें बुलाएंगे और इस पर हम जरूर बातचीत करेंगे। जी अनुराधा जी, आपका स्वागत है अध्ययन बुक्स में। अध्ययन बुक्स से जुड़ने के लिए आप ज़रूर अपनी बुक अगर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स जो मैंने आपको नंबर्स प्रोवाइड करवाए हैं, आप इस पर बातचीत कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। रमेश जी, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, कोई भी सजेशंस, कोई भी टॉपिक सजेस्ट आप करना चाहें कमेंट सेक्शन में हम कर सकते हैं। हम थोड़ी देर और इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सुतप्ता जी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम और सीजन 2 के लिए आपका स्वागत है, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और आपका अप्रिसिएशन देख करके आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं और ये प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, तो ये चीज़ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने इसके पीछे, साथ साथ में जितने ऑथर्स हमारे साथ जुड़े हैं और दो और ऑथर्स हैं जो जुड़ने वाले हैं, उन सब ने भी अपने बिहाफ में बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हम सबका एक टीम वर्क है और इसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाया है आप ऑडियंस ने, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस प्रोग्राम को स्वीकार किया है, ये सच में अमेजिंग है, काबिले तारीफ है। इसी से हमें मोटिवेशन मिल रहा है और मेरे ख्याल से इसी से आज 19 दिन तक इस प्रोग्राम का जो चार्म है, जो स्पार्क है, जो वन डे डे वन वाला था, वो अभी तक बना हुआ है। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि डे वन से कई ऐसे ऑडियंस भी, कई ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो डे वन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनके नेम्स भी याद है। ऐसे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो हमारे साथ डे वन से जुड़े हुए हैं और आज 19th डे तक वो रेगुलर हैं और वो हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा रेस्पॉन्स देते हैं। सो मेरा पर्सनल थैंक यू है उन सभी को सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स,
अगर आपके आप जैसे कि अभी 2 दिन का सेशन और है, तो अगर कोई टॉपिक है या कोई सजेशन है आपके, तो आप कल भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके अगले दिन भी शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ये नंबर्स आपके पास है ही। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो वीडियोस है इनमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। इस सेशन के फिनिश हो जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि जितने भी इस वीडियो पे कॉमेंट्स आते हैं उन एक एक कॉमेंट को मैं अच्छे से देखती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ उनका रिप्लाई करने का, और अगर आप सजेशन देंगे तो मैं ज़रूर उन्हें नोट करूंगी अगले सीजन के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, डे 19 हमने कंप्लीट किया है। कल जिन ऑथर को हम इनवाइट करने वाले हैं, वो कल जो बातचीत होगी वो होगी वुमेन एम्पावरमेंट पर। कल का टॉपिक रहेगा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, और इसी पर बेस्ड उनकी बुक होगी। तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा कल का प्रोग्राम, सेम टाइम पर शाम 7 बजे सुपर पावर ऑथर के यूट्यूब चैनल पर मी शालिनी के साथ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।